ये है माइनक्राफ्ट एसएमपी का एक बहुत ही ज्यादा इलीगल वर्ड, एंड मैं इसे क्यों बनाता हूँ, एंड मेरे ही कुछ एनिमीज आते हैं एंड मैं उन्हें बोलता तो हूँ लेकिन उतनी देर में वो लोग कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से ये पूरा का पूरा इलीगल वर्ड फूट जाता है। हाँ तो ये सब स्टार्ट कहाँ से होता है, एक दिन मेरे को खेलते खेलते इस माइनक्राफ्ट एसएमपी में मिलता है करप्टेड ऑनर का बेस एंड मैं उसके बेस से कुछ बहुत ही ज्यादा करप्टेड चीज ले आता हूँ अपने बेस के लिए। एंड मैं चाहता कि इस एमपी में ये सारी चीजें किसी को ना मिले इसलिए मैं बनाता हूँ इलीगल वर्ड। एंड ये सब स्टार्ट कैसे हुआ ये देखने के लिए पूरी वीडियो देखो। ओके सो हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप लोग। हम लोग आज के दोबारा से मिराकुलस में, तो आज हम लोग बनाने वाले हैं, आपको तो पता है। हाँ तो जैसा कि आपको पता है, जब मैं बेस में गया था तो मेरे को कुछ इलीगल आइटम्स वगैरह मिले थे, एंड मैं नहीं चाहता सर्वर की जो मेरे पास इलीगल आइटम्स है, या फिर मैंने देखो मैंने वो उधर साइड एक चेस्ट है जहाँ पर मैंने पूरा का पूरा इलीगल आइटम रख दिया है, तो मैं नहीं चाहता कि सर्वर में जितने लोग भी हैं उनको सबको ये सारा इलीगल आइटम मिले और या तो संतुलन ख़राब हो सर्वर का। सो उसके लिए गाइस अपने पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है, मैं आज एक बनाने वाला हूँ इलीगल बेस। मीन्स उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि हमने इलीगल बेस का जो स्टार्टिंग का सीन था वो सारी चीज़ें स्टार्ट कर दिया है, तो ऐसा करता हूँ मैं सबसे पहले इलीगल बेस तक पहुँचता हूँ, उसके बाद बताता हूँ आपको कि क्या करना है, ठीक है। ओके सो गाइज मैं अपनी सीक्रेट लोकेशन पे आ चुका हूँ जहाँ पे मैंने वो बेस बनाना है, मैं आपको आसपास का एरिया नहीं दिखाने वाला। तो ये है अपना एरिया, मीन्स ये जो लीवर है इसको हम लोग तोड़ भी सकते हैं, जैसे कि अगर हम लोग इसको फ्लिक करते हैं तो अपने बेस की एंट्रेंस खुल जाएगी। एंड अभी मैं और भी ज़्यादा चीज़ें करने वाला हूँ बेस के लिए, मीन्स अभी तो ये इतना ही सा किया है हम लोगों ने। तो देखो सबसे पहले हम लोगों को यहाँ से जंप लगानी होगी नीचे, मीन्स यहाँ से मैं सीक्रेट बेस का जो है उसको बनाने वाला हूँ, मतलब यहाँ से मैंने भी थोड़ा बहुत ही काम किया है जैसे कि देख सकते हो इतना कुछ। एंड जो मतलब मेन सीक्रेट बेस बनाने के लिए जो थोड़ा बहुत सामान की जरूरत थी वो सब ले आए हैं, एंड आगे चल के भी और भी सामान लेना है, जैसे कि इधर साइड में पूरे में लगाने वाला हूँ क्या आर्मर स्टैंड्स, मीन्स आर्मर स्टैंड्स थे ना अपने पास बहुत सारे, एंड बहुत सारे आर्मर थे तो पूरा इलीगल जितना भी है वो। एंड ये जो पीछे का एरिया है इसको मैं तोड़ने वाला हूँ क्योंकि आपको तो पता ही है ना कि पीछे लावा डालेंगे, मतलब ये सीक्रेट बेस रहेगा। एंड तो देखो ये सीक्रेट बेस तो बन जाएगा, फिर हम लोगों को इस सीक्रेट बेस को बचाने के लिए एक एंटी थेफ्ट प्रोटेक्शन वाला सीक्रेट बेस चाहिए, मीन्स अगर कोई मेरे अलावा इस जगह पर आता है बाई चांस एंड वो यहाँ से कोई सामान लेने की कोशिश करता है तो एंटी डिस्ट्रक्ट, मतलब कि ये पूरा का पूरा जो है ये टूट जाए, तो उसके लिए भी हमें गाइस तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले मैं इधर का तोड़ देता हूँ, जैसे कि इधर साइड हम लोग लगा देंगे आर्मर स्टैंड, आर्मर स्टैंड के पीछे मतलब आर्मर स्टैंड के पीछे तो लावा डाल नहीं सकते। ओके सो एक ब्लॉक मेरे को और पीछे तक जाना पड़ेगा, तो ये रहेगा अपना मेन आइटम फ्रेम वाली जगह। एंड इधर साइड में चेस्ट रूम बनाने वाला, इधर से थोड़ा सा पता है इधर से मैं ऐसे करूँगा नीचे साइड को जाऊँगा। एंड ये जो सीक्रेट एंट्रेंस है वैसे तो ये ऊपर से भी खुला हुआ है, उसका भी कुछ करेंगे। एंड एक गेट इधर लगाऊंगा जिससे कोई बाई चांस यहाँ तक आ भी जाए तो आगे ना आ पाए, मीन्स इसको पूरा फुल्ली एडवांसमेंट बनाना है। तो हम लोग अब सीधा वर्किंग कर देते हैं स्टार्ट। हाँ तो गाइस जैसा कि स्टार्टिंग में आप लोगों से मैंने बताया था कि मैं एक ऐसा बेस बनाना चाहता हूँ, मतलब कि अगर कोई एनिमी या वगैरह कोई भी आ जाए अपने बेस पे तो वो ऑटो डिटेक्ट कर ले और वो ऑटो ब्लास्ट होकर पूरा का पूरा इलीगल वॉल्ट ख़त्म हो जाए। हाँ तो अब हमें उसी के लिए एक वर्ल्ड में जाना पड़ेगा एंड उसका जो डायग्राम है वो पूरा का पूरा सोच के आना है कि किस तरीके से हम लोग वो वाला जो स्ट्रक्चर है वो बना सकते हैं। सो लेट्स गो, अब वो वाला काम भी कर लेते चल के। हाँ तो उसके बाद मेरे को ऐसा लगा कि ऑब्जर्वर जो है वो एक ब्लॉक की मूवमेंट को बहुत ही ज़्यादा आसानी से ट्रेस कर लेता है, तो मैंने सोचा कि हम लोग एक ट्रैप चेस्ट रखते हैं एंड उसके पीछे से कुछ इस टाइप से करते हैं। ओ भाई मैंने ऐसे गलती से आली चेस्ट लगा दी, वेट हम लोगों को लगाना है सबसे पहले एक ट्रैप चेस्ट एंड उसके बाद करना क्या है कुछ इस तरीके से। देखो ऑब्जर्वर जो है मतलब जो पिस्टन है वो वर्क हो रहा है, तो हम लोगों को एक ब्लॉक लगाना है, मतलब हम लोगों को कुछ इस टाइप से बनाना है जैसे कि आप लोग समझ लो ऑब्जर्वर एंड ऑब्जर्वर के पीछे कुछ TNTs, मतलब बोले तो पिस्टन को ऐसे रखना है कि उसके जो मूवमेंट होगी जिसकी वजह से उसके सामने ब्लॉक्स आएगा, और जैसे समझ सकते हो कि ब्लॉक जब ब्रेक होता है ना तो उस टाइप का पिस्टन को कुछ डिटेक्ट करेगा एंड जो अपना पिस्टन है वो TNT तक सिग्नल पहुंचा देगा एंड देन TNT ब्लास्ट हो जाएगा और जो अपना ऑटो डिस्ट्रक्टिव वाला वॉल्ट था वो पूरा का पूरा रनिंग पे कंडीशन पे आ जाएगा। ओके सो अब लगा देना हम लोगों को यहाँ पे TNTs एंड अपना जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो रेडी हो चुका है। ओके देख सकते हो आप लोग TNT तक जो सिग्नल है वो पहुंच चुका है, तो अब बस यही जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर हम लोगों को चलकर अपने वॉल्ट में भी बनाना है। ओके सो लेट्स गो। हाँ तो गाइज उसके बाद मैंने जब यहाँ पे चेक कर लिया कि ऐसा भी कुछ हम लोग कर सकते हैं तो मैं जल्दी से गया अपने वॉल्ट पे एंड मैंने लास्ट वाली चेस्ट के पीछे कुछ इसी टाइप का स्ट्रक्चर बना दिया।
तो गाइज ये सब कुछ बनाने के बाद एंड जितना भी मेरे पास इलीगल आइटम्स था पूरे के पूरे गोल्डन एप्पल्स टोटम वगैरह जो कुछ भी मेरे पास था सारा चीज़ें बेस पे पहुंचाने के बाद मेरे को नहीं पता था कि मेरे पास कुछ ऐसा हो सकता है। मीन्स मैं जब SMP में खेल रहा था आई डोंट नो मेरे पीछे से करप्टेड ऑनर टेक्निकल और आयुष ने कैसे देख लिया एंड उसके बाद वो लोगों ने मेरा पीछा किया एंड वो दोनों मेरे बेस तक पहुँच गए एंड उसी के साथ मेरा जो बेस था वो वहीं पर ख़त्म हो गया। तो देखते वो सब भी कैसे कर दिया इन दोनों ने। ओके गाइस बंद कर लो। ओके गाइस अबे ये कौन आ गए? वेट अ सेकेंड, ये करप्टेड ओनर यहाँ पे दोबारा से कैसे? नहीं तुम दोनों को यहाँ पे कैसे पता चला? ये तो बहुत ज्यादा सीक्रेट बनाया था मैंने। वेट नहीं 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 तुम लोगों को यहाँ पे कुछ नहीं है। नहीं मत लूटो यार, तुम लोग आई चुके हो। तो सुनो यार, तुम लोग सुनो, पता है ऐसा करते हैं कि तुम दोनों भी इस वॉल्ट को अपना घर बना लो और यहाँ पे कुछ मत करो यार, आधा आधा सामान लेना है। देखो यहाँ पे बहुत सारा टोटम है और ये सारा चेक कर लो, सारी चेस्ट चेक कर लो, मजा आएगी। सारी चेस्ट चेक कर लो। टेक्निकल मैन अब मेरे को पता था भाई, मेरे को पता था तुम लोग ऐसे ही करोगे यार, इसीलिए मैं तुम पहले से ये पता था कि कोई किसी को बेच मिले इससे पहले भी मैं तुम लोगों के साथ ऐसा करूँगा। हाँ तो गाइस मैंने तो वॉल्ट बनाया कि सर्वर में हम लोग कुछ कर सकते हैं, लेकिन मेरी गलती की वजह से दो प्लेयर्स उस वॉल्ट तक पहुँच जाते हैं और मुझे मार देते हैं, तो यहीं से ये वॉल्ट ख़त्म भी हो जाता है। तो आई होप ये वाली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल भी चैनल सब्सक्राइब भी कर देना, बेल नोटिफिकेशन भी ऑल पर सेट कर देना। तो चलो फिर आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।